हालात बुरे हैं इस टाइम और इंडस्ट्री इतनी बुरी पोजिशन में फंसी हुई है कि आज हमें सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। जहाँ तक क्यों है उसके कई कारण हो सकते हैं। हमारे पास ना दो तरह की मार्केट हैं, एक मार्केट है एक्सपोर्ट की, एक है डोमेस्टिक की। एक्सपोर्ट का लगभग हमारा 25,000 करोड़ का काम है पानीपत से, तो लगभग 50% है। अभी आप अगर सेक्टर में मैं घुमाऊँगा आपको तो आपको लगेगा ये पूरा क्लस्टर ना डाइंग का है, और चाहे डोमेस्टिक काम हो या एक्सपोर्ट, डाइंग प्रिंटिंग एक बार वो मार्केट में आएगा ही नहीं, प्रोसेसिंग उसकी करनी ही पड़ेगी। तो आधी चिमनियाँ बंद हैं, मतलब 50% काम कम है और औरों पे जो कम प्रोडक्शन पे है वो बात अलग है। इसके कई रीजन हैं, जैसे एक्सपोर्ट में बताऊँ तो यूक्रेन के युद्ध से भी अब हमारे जो ऑर्डर एक्सपोर्ट होता था मेन US, यूरोप और जापान में, अब पता नहीं क्यों इस युद्ध के बाद उसके परिणाम अब नज़र आने लगे हैं कि ऑर्डर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसका कारण दूसरा ये भी है कि हमारे जो रॉ मटेरियल है, हमारा कॉटन है, वो लगभग 3 गुना रेट हो गया, 3 गुना। तो उसे हम अगर कस्टमर को रेट देते हैं, बायर को, तो वो बायर वो रेट देने को तैयार ही नहीं है, तो वो इस टाइम बड़ी स्थिति ख़राब है। तीसरा हमारा रॉ मटेरियल है पॉलिस्टर, जिसे हमारा पॉलिस्टर से बनता है, पैट यार्न बनता है या कहीं और, तो वो भी इस टाइम में जहाँ 90 रुपये के आसपास चलते थे, वो इस टाइम 125 रुपये के लगभग चल रहे हैं, तो मोटा मोटी 40-35% के आसपास बढ़े हुए हैं रेट। एक कारण ये है। तीसरा एक्सपोर्टर में समस्या ये भी है कि कंटेनर उनको मिलने में बहुत महंगे मिल रहे हैं और बड़ी दिक्कत में मिल रहे हैं। कभी वो कंटेनर वेटिंग में माल डिस्पैच टाइम पे नहीं हो पाता है, तो चक्कर में ऑर्डर होल्ड हो जाते हैं और वो आगे ऑर्डर आगे रिकंटिन्यू में, फिर क्योंकि असर तो लास्ट में डाइंग पे और वीविंग पे, निटिंग पे पड़ेगा, तो वो जाके वह प्रॉब्लम आ जाते हैं। और एक स्थिति बड़ी ख़राब है, देखो पानीपत ना एक हथकरघा उद्योग है और हैंडलूम का, मतलब छोटी छोटी फैक्ट्री किसी ने अपने घर में लगाई हैं, किसी ने थोड़ी बड़ी लगाई है, किसी ने अपने अगर 5-7 घर को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, तो डाई हाउस भी छोटे छोटे ज़्यादा हैं, तो उस चक्कर में बड़ी स्थिरता ये है कि अभी हमारे को ये बोल दिया गया है कि आपको 30 सितंबर के बाद आपको कोयला बंद करना है। कोयला बंद करते चलो कोई बात नहीं, पहले आपने पेट्रोल को बंद किया, अब कोयला बंद कर रहे हैं, ये परिस्थिति खराब है कि दो तीन साल में से 4-4 साल में चेंज होगी, तो हम कैसे अपनी मशीनरी चेंज करेंगे। तब वो कह रहे PNG पे जाएं, PNG के रेट जहाँ एक साल पहले 2829 रुपये किलो थे, आज 63 रुपये किलो है आज करंट में, कैसे सर्वाइव करेगी इंडस्ट्री। हम बार बार कह रहे कि आप NCR फाइनल कर दो, चलो आप करनाल तक है, हम यमुना नगर फैक्ट्री लगा लें, हम अम्बाला लगा लें, या हम हरियाणा से बाहर लगा लें, हमें कुछ फाइनलाइज तो दे दो कि हम फैक्ट्री चला सके। अब वही पॉलिस्टर कपड़ा लुधियाना डाइंग करता है पेटकोक पे, वही सूरत करता है लिग्नेट कोयले पे, जो लिग्नेट कोयला 5-7 रुपये किलो आता है, और जो पेटकोक की जो 17-18 रुपये आता है, लेकिन उसकी जो CV है वो लगभग 8,500 से 9,000 है PNG के बराबर, तो उन लोगों से मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। तुम कह रहे भाई NCR फाइनल कर दो कोयला, अगर आप NCR में बंद करना है तो NCR तो फाइनल कर दो कम से कम। तो वो एक समस्या की अस्थिरता की स्थिति इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में है। हाँ, लाइट की समस्या भी अभी भी है काफ़ी, और पीछे तो लगभग 20 से 25 दिन ये पोजिशन थी कि रात को सारी इंडस्ट्री 12 घंटे बंद हो जाती थी। 12 घंटे मतलब 40% ही काम होता था, क्योंकि 2 घंटे पहले फायरिंग करनी, 2 घंटे पहले फिर बंद करना, तो बड़ी स्थिति खराब है। डीजल पे हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते, क्योंकि डीजल आपको पता है क्या रेट बढ़ गया है, लगभग 32 से 35 रुपये यूनिट पड़ती है, जहाँ बिजली की 8 रुपये यूनिट पड़ती है। तो आज अभी भी दिन में हमने इंडिपेंडेंट फीडर लिए हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पे लाइट के 2-2, 4-4 घंटे कट मारते हैं। सरकार से कोई मीटिंग हुई आप लोगों का गैस और कैशेशन की तरफ से? हाँ, मिले हमारे प्रतिनिधि और हम सब जो हमारे ACS है PK दास जी, उनसे मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया जल्दी ठीक कर देंगे, और सुधार भी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुधार है, सुधार है पहले से, पर समस्याएँ अभी भी काफ़ी हैं। टेक्सटाइल की बात करें, 15-20 लाख प्रति किलोग्राम उत्पादन होता था, वो भी कम हो गया है, रंगीन धागा वगैरह जो भी था। हाँ, मैं बता रहा था लाइट कम होने से, फूल के दिखना से, और काम ना होने वजह से, क्योंकि यूक्रेन में से काम कम है, जहाँ हम प्रोडक्शन 15,000 किलो मान लो डाइंग करते थे,
तो आज कामी 7,000 किलो 6,000 किलो 8,000 किलो है। उसका कारण ये है कि हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गया। वही जो हमारा स्टाफ है वही 15,000 रुपये था, वही 5,000 रुपये है, 7,000 रुपये है। तो मैं अब प्रॉफिट के बजाय आज ऐसा लग रहा है कि हम लॉस में काम कर रहे हैं। यूनिट बंद होगी तो फिर वो बेरोजगारी नहीं फैलेगी क्योंकि हाँ पानीपत में लगभग 7 से 8 लाख वर्कर काम करता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आज उनके साथ से रोजगार पर समस्या तो आएगी। अगर लोग पलायन करेंगे मान लो यहाँ से NCR से बाहर भागेंगे कहीं जाए बाहर, तो यहाँ का रोजगार बाहर जाएगा, यहाँ का जो टैक्स है GST है वो बाहर जाएगा, जो नाम है पानीपत का हैंडलूम का वो बाहर जाएगा। तो हम तो ये करते हैं पानीपत को NCR से बाहर कर दो, NCR का बाहर होता है हमारी समस्या हल हो जाएगी काफ़ी हद तक, और हम बाहर को रेट कम देंगे तो ऑर्डर खींच पाएंगे। पानीपत अपने आप में अल्टीमेट है। मैं डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की उदाहरण था, डोमेस्टिक के बारे में बताता हूँ। डोमेस्टिक पानीपत में 50,000 करोड़ का ब्लैंकेट और बेडशीट आता था, आज पानीपत इम्पोर्ट नहीं करता, आज एक्सपोर्ट करता है। मतलब 50,000 करोड़ का इम्पोर्ट बचा दिया और एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है पानीपत से बेडशीट और ब्लैंकेट का, और ऐसे ही बहुत आइटम है। लेकिन इस टाइम पता नहीं बहुत पॉलिस्टर रेट बढ़ने से जो 25-30% बढ़ गए हैं काफ़ी उन पर पोजिशन ख़राब हो गई है। और इंडस्ट्री जो हमारी अप्रैल में चल जानी चाहिए थी वो अभी भी जून आ गया है, चली नहीं, वो लगता नहीं कि जून में चलेंगी, अगस्त में चल पाएंगी।